फ़ोन है, ये मैंने लिया था संडे बाज़ार से। इसका भाई बहुत बढ़िया जगह पे सेट हो गया है। ऐसा है क्या? तो दिख नहीं रहा अभी तक, लगाया नहीं क्या? कहाँ हुआ है? तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज परवेज खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी बाइक को थोड़ा सा डिफरेंट करवाने के लिए। मतलब गाड़ी वही रहेगी, अंदर से कुछ स्पेयर पार्ट्स अपने को चेंज करवाने हैं, कुछ हॉर्न वॉन चेंज करवाने हैं, और उसमें शायद सोच रहा हूँ कि मैं अंदर थोड़ी बहुत रैपिंग वेपिंग भी करवाऊँ, स्टिकर वगैरह से अपना नाम चेंज करवाने, जैसे परवेज खान ब्लॉग लिखा हुआ है वो भी सोच रहा हूँ चेंज करवाने के लिए, लेकिन उसका टाइम मुझे मिलता है कि नहीं। फिलहाल गाड़ी के अंदर मैंने जब से ली है तब से एक ही बार सर्विस करवाई है, और अभी इंजन ऑयल जो है वो ख़त्म होने वाला है, और अगर वो ख़त्म हो गया तो लंबा खर्चा आएगा अपना, गाड़ी का इंजन भी ख़राब हो सकता है उसकी वजह से। तो पहले हम लोग जाएंगे राज ऑटो में, जो कि अपने सूरत में बहुत ही अच्छा गैरेज वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी सर्विस करता है। मैं जो R15 है मैं वहीं पर सर्विस करवाता हूँ, बहुत अच्छा सर्विस गाड़ी करता है वो। तो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, खाली गाड़ी सर्विस नहीं करवानी, उसके अंदर मुझे कुछ 3-4 चीज़ें हम लोग को ऐड भी करवानी है, जैसे कि साइड लाइट जो होती है तो चारों चार एक साथ चालू होती है वो भी करवाना है, हॉर्न चेंज करवाना है, और जो ब्लू लाइट होती है आगे की छोटी वाली वो भी चेंज करवानी है। तो हम सोच रहे थोड़ा सा डिफरेंट उसके अंदर कुछ हटके करवाते हैं, जो कि वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती है, मतलब वो गैरेज वालों की खुद की, मतलब जैसे कि एसेसरीज की दुकान है उनकी खुद की है बाजू में ये, तो कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, वरना मोस्टली गैरेज वालों को हमको जाके ला के देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, उनका बाजू में ही तो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए सोचा वहाँ पर जाते हैं हम लोग, तो देखेंगे गाड़ी का कैसा लुक होगा, कैसा होगा, क्या होगा। अभी जाके पहले गाड़ी निकालते हैं, साफ वाफ करते हैं, फिर उसको लेके निकलते हैं, और उससे पहले हम साफ हो जाते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, ब्रश व्रश कर लेते हैं, फिर हम भी निकलते हैं। दोस्त को कॉल किया है, दोनों गाड़ी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से मुझे रिटर्न भी आना है। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखना, देखना कि हम लोग क्या चेंज करवाते हैं गाड़ी के अंदर, और वो लोग भाई भी क्या लोग क्या क्या करते हैं वो लोग, तो देखते रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही जल्दी थोड़ी सी ट्रेन व्रेन की जर्नी चालू करेंगे हम लोग, और मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने का ट्रैवलिंग करेंगे ट्रेन में अच्छे से, फर्स्ट क्लास AC में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी दबा देना, ताकि मेरे वीडियो आपको जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलो जाते हैं पहले जल्दी से। ये हमारी गाड़ी, ये आप देख सकते हो, तो हमको इसके अंदर पहले ये लाइट चेंज करवानी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ चल नहीं रही है। ये मैंने यहाँ से लाइट का इंडिकेटर ऑन किया, अगर ये हमने ऑन कर दिया, ये ऑन किया लेकिन ये चल नहीं रही है, बस ये खाली अपर डिपर में काम कर रही है, ये अपर डिपर हो रहा है, लेकिन जो स्विच है उसमें से काम नहीं कर रही है। ये यहाँ पर इसका एक स्विच है वो चालू करते लेकिन नहीं हो रही है, मतलब ये लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये हमको चेंज करवाना है। ये दो लाइट तो कंप्लीट है, और इसका जो हॉर्न है ये आप देख सकते हो, मतलब एक ही एक साइड का हॉर्न बज रहा है, एक साइड का हॉर्न नहीं बज रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से हॉर्न लेके आए, वो करवाना है। गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है वो भी डलवाना है, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ परवेज़ खान ब्लॉग्स तो है ही, और यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम ID भी लगाने का सोच रहा हूँ मैं। अब वो कहाँ लगाना है वो अभी मैंने कन्फर्म नहीं किया है, पहले गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, क्या करना है वो जाके देखेंगे अपने। जो हॉर्न है ये मैंने लिया था संडे बाज़ार से, इसका मैंने प्राइस दुकान में पता करी थी तो 500-600 अलग अलग प्राइस थी अलग अलग जगह पे, और यही हॉर्न हमको मिला है यहाँ पर। इसमें किसमें इसमें लिखा हुआ नहीं है MRP क्या है इसकी, पता रहे लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ये हमको 200 में पड़ा है संडे बाज़ार से, और यही दुकान में 500-600 रुपये का है। अब इसके अंदर क्या क्या चेंज करेंगे गाड़ी के अंदर, ये आपको वीडियो के एंड में देखने मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो चलो इसको ले जाते हैं अब सर्विस करवाने। हमारी खुल चुकी है, ये इसका फिल्टर जो है वो ख़राब है, ये भाई हमारी गाड़ी सर्विस कर रहे हैं भाई, एकदम अच्छे कंप्लीट करना है भाई, लद्दाख लेके जा सके ऐसी करना है ये गाड़ी को। इसमें हॉर्न फिट हो रहा है, और ये इसकी वायरिंग, ये भाई वायरिंग है भाई, हॉर्न कहाँ पर लगा रहे हैं देखते हैं। ये क्या काम आता है भाई ये वाला, ये क्या काम था? कंडेंसर है, इसके लिए भी चारों चार लाइट, ये क्या ये तोड़ दिया? ना ना उसका कांच निकल रहा है, निकला है लग जाता ना।
मैंने यश को कॉल किया क्योंकि घर तक जाना है मुझे, गाड़ी सर्विस हो रही है और मैं इधर रोड पर थोड़ा सा टहल रहा हूँ और धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी यश आ रहा है 12:30 बजे का उसने बोला है और अभी 11:40 हो रहे हैं, तब तक हमको यहाँ बैठना पड़ेगा। ये हमारे भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाड़ी के पीछे। क्या क्लिप लगा रहे हो क्या हॉर्न के, खोल रहे हो उसको? हाँ पत्ती टाइट कर रहे हो, अच्छा उस पर हॉर्न आएगा ना भाई। बहुत बढ़िया जगह पे सेट हो गया है। ऐसा है क्या, तो दिख नहीं रहा अभी तक, लगाया नहीं क्या, कहाँ हुआ है? अच्छा ऐसा नीचे साइड, नीचे साइड लगा, वॉशिंग करने पे पानी अंदर नहीं जाए। सही है सही है, लगाओ भाई लगाओ, शुक्रिया। फोन लग गया है, चेक करते हैं, चाबी ऑफ है, चाबी अब ट्रेन का हॉर्न लग रहा है भाई वायरिंग का काम कर रहे हैं, पूरी गाड़ी वायरिंग से भरी हुई है। वो रही दो तीन अंदर है हॉर्न का वायर, अभी ये स्विच के लिए इतना बड़ा 6 मीटर वायर लगेगा, फिर अभी और एक 5 मीटर वायर आएगा। तो भाई लोग हो गई हमारी गाड़ी एकदम कंप्लीट, नीचे हॉर्न लग गए और चेन वेन सर्विस वर्विस हो गई है और मैंने जो जो लाइट लगवाई है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा कि क्या क्या अंदर मैंने चेंजेस करवाया है, और भी थोड़ा कुछ बाकी है, स्टिकर वगैरह लगवाना है तो वो हम घर पर जाने के बाद में लगवाएंगे, पहले घर जाते टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले हैं और अभी रोज़े का टाइम है, घर जाके थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि सुबह 10 बजे आया था, 10 बजे से मैं यहीं हूँ। वो भाई काम कर रहा है, हो चुका है कंप्लीट, खाली चेन फिट करना बाकी है, फिर ये हो जाता है तो हम लोग तुरंत घर निकलते हैं और देखते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। ये दो हॉर्न लगवाए हैं और मैंने ये जो 4 लाइट है ये सेट करवाई है, चारों 4 लाइट जैसे कि अभी चालू की तो एक साथ ही चारों 4 लाइट चल रही है, आगे की 2 और पीछे की 2। और ये हॉर्न एक बार आपको बजा के सुना देता हूँ, कहाँ गया स्विच, ये हॉर्न है, यहाँ से स्विच डलवा दिए मैंने, स्विच अगर हम ऊपर करेंगे तो ये हॉर्न चेंज हो जाएगा, ये हो गया, ये बंद कर देते हैं, बंद हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसकी स्विच लगवाई है, ये हम बंद कर देते हैं, ये अपर डीपर। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक एकदम तैयार हो चुकी है, तो बस सर्विस सर्विस करवा के इसको मैं निकला लेके राइड पे, और टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 12 बज रहे हैं और रोड आप देख सकते हो एकदम खाली है, और ये कुत्ते हैं जो यहाँ पे भूखे, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, देख तो रहे लेकिन नहीं भूखा, चलो कोई ना, अभी हम यहाँ से निकल गए, अब गाड़ी को कहीं खड़ी रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि हम अभी करने वाले हैं बहुत ही बड़ी ट्रिप, जो कि हमारी ट्रिप होगी सूरत टू मुंबई। तो इस हमारी ट्रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, सूरत टू मुंबई ट्रिप होगी हमारी और उसके अंदर हम काफ़ी मज़ा करने वाले हैं, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुमको मेरे आने वाले सारे व्लॉग जल्दी देखने मिल जाए। और रोड आप देख सकते हो खाली रोड पड़ा है, बस अभी मैं यहाँ से निकलूंगा और गाड़ी उठा के हम थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट देखते हैं कि गाड़ी हमारी कैसी लग रही है, उसके बाद हम घर चलेंगे। तो गाड़ी यहाँ पर रुकाते हैं और गाड़ी के थोड़े से सिनेमैटिक शॉट लेते हैं।